इंस्पेक्टर साहब, वो हमारी बेटी है। हाँ तो वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो एक रेप पार्टी में थी जहाँ ड्रग्स बेचा और लिया जाता है। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, हमारी बच्ची ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, आपको लगता है कि हमारे घर से कोई ड्रग्स जैसी चीज से नाता रख सकता है, वो भी हमारी बच्ची? चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपकी लड़की ड्रग्स नहीं रखती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो पार्टी में क्या कर रही थी? सर, होटल के स्टाफ से पता चला है कि लड़की वहां कुछ बेच रही थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये रचना उस रेप पार्टी में क्या बेचेगी? इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ऐसा क्यों करेगी? जानना चाहते हैं आप लोग वो क्या बेच रही थी? ये ड्रग्स बेच रही थी। ड्रग्स? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं कर रहे थे। सच पापा, प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हमने ऐसे कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बच्ची ऐसा कभी नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, आप किस बिना पे कह सकते कि हम वहां ड्रग्स बेचने के लिए आए थे? क्या सबूत है आपके पास? ये ड्रग्स आपको हमसे मिले क्या? आप चाहे तो हमें चेक करवा सकते हैं। हम पे यकीन कीजिए, हम बस वहां अपना सामान बेचने के लिए गए थे और कुछ भी नहीं। दयाल साहब, आपका धंधा मंदा हुआ तो बेटी को काम पे लगा दिया। वाह दयाल साहब वाह। इंस्पेक्टर साहब, आप मेहरबानी करके हमारी बात समझिए। देखिए, हम ये तो नहीं जानते कि हमारी बेटी वहां क्या बेचने गई थी, लेकिन ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं। हमारी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। नहीं। सुनो सर, आप हमारी बात पर यकीन कीजिए। तो आपको अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, तो बता सकते हैं कि इसके साथी के हाथ वो पैकेट कैसे आया? वैसे भी हमने उसे अंदर कर लिया है। रचना का साथी? चल बता, कब से कर रहा है ड्रग्स का बिजनेस और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ, बोल। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए, उस लड़की के साथ हाथापाई में वो बैग और वो पैकेट मेरे हाथ में आ गया था। कोई और कहानी गढ़ बेटा, ये नहीं चलेगी, समझा ना? पता है कितने सालों के लिए अंदर जाएगा तू? यहाँ जितने भी पकड़े जाते हैं ना, उनकी यही कहानी होती है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो बैग और वो पैकेट मेरा नहीं है। सच नहीं बोल रहा है तू? देखिए,
हमने आप लोगों की बात सुन ली है, अब आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए। इसे टेस्ट के लिए लेकर जाओ। अभी के लिए यहाँ साइन कर दीजिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपकी बेटी ड्रग चार्जेस से छूट गई है। कल रिपोर्ट आएगी और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो ले आना थाने में लड़की को। तुम वही रचना हो जो दूध लेने के लिए भी डोलू को साथ ले जाया करते थे? किसने सोचा था जिसकी शहर दीदी जैसी मां हो वो लड़की सबका ऐसा भरोसा तोड़ेगी? अरे पहले ही एक रिश्ता टूट चुका है, इतनी बदनामी हो गई, भाई राम अखबार में छप गया तो कौन है जो हमारे घर से रिश्ता जोड़ेगा? एक मिनट,
हम रचना के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये कहां गई थी और क्यों गई थी। जवाब तो अपनी मां को कि तुम कहां गई थी और क्या कर रही थी। हमें यहां पर यह बताया गया कि तुम कहीं पढ़ाई के लिए गई थी अपने किसी दोस्त के यहां। ये थी वो पढ़ाई? ये तुम्हें इसे जिम्मेदार कहती थी ना? ये जिम्मेदारी निभाई है इसने? अगर ये लड़की जिम्मेदार होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता शायद। हमसे कहां चूक हो गई? एक बाप का फर्ज निभाने में हम कहां कम रह गए? बताओ शैल। हमने तुम्हारी जिंदगी में किस चीज की कमी छोड़ दी? कौन सी ऐसी चीज है कि जो तुमने हमसे मांगा और हम तुम्हें कभी दे नहीं पाए? बोलो बेटा, बोलो। तुम्हें सिर्फ इस घर की और रचना की जिम्मेदारी सौंपी थी और तुम वो भी निभा नहीं पाए ठीक से। चोट तो हमें उस दिन नहीं पहुंची थी जिस दिन हमारी दुकान चल गई थी। इतनी चोट आज इसकी हरकत की वजह से पहुंची। ऐसा लगता है कि आज हम हार गए, सब कुछ हार गए। एक मिनट मौसा जी, नहीं जानते कि रचना क्या कर रही थी, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू कि पूरा सच जानने से पहले प्लीज किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। सबसे पहली बात, मौसी जी एक बहुत अच्छी मां है। मां क्या, वो तो अपनी बेटी की दोस्त है। और रचना गलत नहीं है। एक सेकंड कुछ,
तुम प्लीज बीच में मत बोलो। क्यों नहीं बोलू मयंक? अगर मैंने अभी कुछ नहीं कहा तो सबको यही लगेगा कि रचना गलत है और मौसा जी का गुस्सा सही। आप सबको यही लग रहा है ना कि रचना एक गलत काम करने गलत जगह पर गई थी, कि वो पार्टी में मस्ती कर रही थी जहां पर नशा किया जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। मौसा जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे कि आपकी सारी गलतफहमी, आपका शक सब मिट जाएगा। मुझे बस एक सेकंड दीजिए। ये देखिए मौसा जी, ये है रचना की असलियत, उसकी कला, उसका हुनर, जो आज तक आप सबने ना देखा और ना पहचाना। आपकी बेटी वहां एंजॉय करने नहीं गई थी, वो तो पार्टी में ही सब कुछ बेचने गई थी ताकि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई कर पाए। देखिए, ये सब कुछ रचना नहीं बनाया है, अपने हाथों से। देखिए, रचना ने सिर्फ आपकी मदद करने के लिए किया मौसा जी। एंड मौसा जी, आपको तो रचना पर गर्व करना चाहिए। उसने वो कर दिखाया जो शायद एक लड़का भी नहीं कर पाता। आपके सारे नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। आप लोगों को लग रहा था कि वो पार्टी में एंजॉय कर रही है, ये सब कुछ देखिए, एक ही छत के नीचे रहते हुए हम में से किसी को उसने पता भी नहीं चलने दिया। दिन रात एक करके उसने ये सारी चीजें बनाई हैं, और वो भी किससे? उन सब साड़ियों से जो आपकी दुकान में जल गई थी, उन साड़ियों के टुकड़ों से मौसा जी, जिसको हम सबने वेस्ट समझा। देखिए कितनी खूबसूरत चीजें बनाई है उसने। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी परवरिश की वजह से है मौसी जी। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का नतीजा, क्योंकि इन्होंने कभी भी हमें हार मानना नहीं सिखाया। हाँ, रचना की बस एक ही गलती थी कि वो गलत समय पर उस पार्टी में पहुंच गई और गलती से पुलिस ने उसे पकड़ लिया, और शायद इसका अंदाजा भी नहीं था रचना को।
सब कुछ कर दिया तुमने, एक बार भी हमें बताया नहीं, अपनी मां को अपने से इतना दूर कर दिया तुमने। हाँ बेटा,